बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक गैर मुसलमान शख्स ने कब्रिस्तान में मुसलमान शख्स के कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, असल में ऐसा बहुत सी जगह पर यह वाक़यात पेश आए हैं जिसे सुनकर अकल चकरा कर रह जाती है। पता नहीं इंसान क्या करने की कोशिश करता है। एक शख्स दिल्ली में मुसलमान शख्स के कब्र में सीसीटीवी कैमरा सेट कर दिया। वह यह देखना चाह रहा था कि आखिर कब्र के अंदर मुर्दे के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, कब्र के अंदर उसके साथ क्या क्या होता है। अल्लाहु अकबर, वो बेवकूफ़ इंसान ये नहीं जानता था कि अल्लाह का राज सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। वो कब्रिस्तान में गया, कब्रिस्तान में जाने के बाद एक कब्र में उसने कैमरा सेट कर दिया और कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों से कहा कि जो कोई नया मुर्दा इस कब्रिस्तान में आए उसे इसी कब्र में दफनाया जाए। इसी बीच में किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उसे इसी कब्र में दफनाया गया। जिस शख्स ने उस कब्र में कैमरा लगाया था, जैसे ही उस शख्स को कब्र में दफनाया गया, वो शख्स अपने घर गया और सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया। जैसे ही मॉनिटर को ऑन किया तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और वो घर तहस नहस हो गया। जिस कमरे में वह बैठा हुआ था उस कमरे की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, पता भी नहीं चला था कि वहाँ कुछ था। अल्लाहु अकबर, ये है मेरे अल्लाह की शान। जब यह हादसा हुआ तो यह खबर उसके दोस्त ने सबको बताई। अरे दोस्तों, उसने कब्र में कैमरा सेट किया था और वह उसके अंदर की सारी हरकतें देखना चाह रहा था, तो उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है। इससे हम सबको यह सबक मिलता है कि कुदरत के कानून से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ताला की इबादत करना, ना कि उसके राज जानने का। उसके राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो ऐसी कोई भी गलती आप ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। सवाब की नीयत से हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।